स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में और कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल सीखते हैं। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले को सिद्ध करवा दिया था। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर में जाकर सर्च कर लें, आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सीखिए। क्वेश्चन है बच्चों आपका, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू वन प्रूव करना है। बच्चों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। गौर से देखिएगा, कौन सा चैप्टर है? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों पहले जो गिवन है उसको लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, यही ना, इसे उतार लिया, ये तो प्रूव करना है। अब इस टर्म को उधर ले जाइए, ना कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कितना बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए किस मामला में है, किस फॉर्मूला में बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। जिन बच्चों को यह फॉर्मूला याद नहीं है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के सारे फार्मूले को याद कर लीजिए, बहुत ही उपयोगी फार्मूला है, आपको कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। इक्वल टू कितना है बच्चों, कितना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, और ध्यान दीजिएगा। आप देखिए यहाँ इनवर्स है, मुझे इनवर्स को हटाना है, इनवर्स कैसे हटेगा बच्चों, आप क्या कीजिएगा, दो तरह से कर सकते हैं, या तो इधर भी कॉस ले लीजिए, इधरों कॉस लीजिए, या एंगल को चेंज कर दीजिए, इस पूरे टर्म को यहाँ लिख दीजिए, इस टर्म को यहाँ ले आइए, उससे भी क्या होगा, आपका इनवर्स हट जाएगा। तो यही करते हैं, इसे यहाँ ले आते हैं, क्या बच्चों, कॉस ये टोटल को इसके जगह में लिख देते हैं, क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड हो गया, और इस टोटल टर्म को यहां ले लेते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा सर। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कौन है, ये थीटा है, कॉस 180 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स जेड, क्लास 11 में पढ़े हमने, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये कितना बच्चों, एक्स वाई माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वन को वन से, वन वन को वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वन से, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से, कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है। आप देखिए यहां पर, यहां भी कॉस सेम एंगल है, कॉस कॉस सेम रेशियो, यहां भी कॉस सेम रेशियो, और इनवर्स है, दोनों हट जाएगा, खाली क्या बचेगा, जेड लिख दिए, ये कितना है, एक्स वाई, और कितना बच्चों, वन माइनस, पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर
फिर वाई स्क्वायर लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं हम ऐसा लिखेंगे, आप ये भी उतार सकते हैं। आप देखिए ये रूट वाला टर्म को इधर और जेड को उधर ध्यान दीजिए, तो क्या बच्चों वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना बच्चों एक्स वाई प्लस जेड माइनस जेड है उधर जाकर हो जाएगा प्लस जेड, ठीक है। अब रूट को हटाना है तो बहुत सिंपल नियम है, यही लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए रूट हट जाएगा, हल क्या बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन। अब देखिए ये इधर स्क्वायर करें तो हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई है भूलिएगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान दीजिए गौर फरमाइए। अब चलिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, यहाँ से ताली बच्चों मिटा रहा हूँ मैं, गौर कीजिएगा बहुत आराम से समझिए आस्ते आस्ते कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। आप देखिए क्या है इस टर्म को यहाँ लिख रहे हैं वन का अपना वन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस वाई स्क्वायर लिख दिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो बता रखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ठीक है। ई वाली क्या हुआ स्वाहा हो गया, ठीक है। आप गौर कीजिए बच्चों ये वन को यहीं छोड़ दीजिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये बराबर है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है बराबर है, माइनस एक्स स्क्वायर उधर चल जाएगा बराबर के उस पार तो जाएगा प्लस माइनस वाई स्क्वायर बराबर के इस पार जाएगा क्या जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई वाला कौन सी है जेड स्क्वायर प्लस ई वाला क्या है टू एक्स वाई जेड, इसको सजा कर लिख दीजिए, सजा कर मतलब फूल माला से नहीं मतलब इसको इधर लिख दीजिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड बराबर कितना है बच्चों वन हो गया रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, गौर कीजिए बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं ताकि मुझे लगे कि बच्चे मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों आइए समझते हैं क्वेश्चन है आपका बच्चों सॉल्व, क्वेश्चन है टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इक्वल टू फाइव बाय फोर, ये टू एक्स है ये थ्री एक्स है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव लिखा है कि सॉल्व लिखा है, सॉल्व लिखा है मतलब पाई बाय फोर प्रूव नहीं करना है, मतलब इस एक्स का वैल्यू को निकालना है, जो अननोन टर्म एक्स है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए इसलिए परीक्षा में देख लीजिएगा प्रूव करना है कि सॉल्व करना है, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ेंगे हड़बड़ी बनाइएगा तो टाइम आपका बर्बाद होगा और ये कभी आएगा नहीं, तो सॉल्व है तो पूरे को लेकर चलना है। तो देखिए ये हो गया एक्स ये हो गया वाई, तो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई साफ दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन वर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई टू एक्स इंटू थ्री एक्स इक्वल टू कितना बच्चों फाइव बाय फोर, है ना, गौर कीजिएगा टेन इनवर्स ध्यान दीजिए तीन और दो कितना हो गया पांच एक्स वन माइनस फाइव थ्री टू जा कितना हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों फाइव बाय फोर, ठीक है। आप वही कीजिए क्या एंगल को चेंज कर दीजिए, ये टोटल टर्म को यहाँ ले आइए पाई फोर को यहाँ ले आइए, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर तो जाएगा टेन
पाई बाय फोर इक्वल टू कितना है 5x 1 - 6x2। अब 10 पाई बाय 4 मतलब 10 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो गया, यहाँ कितना बचा 5x / 1 - 6x2। क्रॉस बना के बच्चों नीचे इसका 1 है ना, 5x को 1 से, 5x 1 - 6x2 को 1 से, तो 1 - 6x2 बहुत इजी स्टेप है। तो क्या होगा बच्चों, ये टोटल टर्म यहाँ ले आएगी, x था हो गया 6x² + 5x - 1, ये दोनों को इधर ले आए। अब फैक्टराइज करना आता ही है, कितना है 5x है ना, उसे मैं चेंज कर दे रहा हूँ 6x और x में, देखिए 6x में जाएगा x तो 5x, और 6x को x से गुना करेंगे क्या होगा 6x² के बराबर हो गया मिडिल टर्म फैक्टर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या आपका हो गया 6x, दोनों से कॉमन ले लीजिए, 6x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ 1 हो गया, इन दोनों से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ तो उतारिए बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, उतारिए आराम से पहले यहाँ तक। अब देखिए x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 6x और यहाँ हो गया -1 = 0, देयरफोर x प्लस 1 बराबर 0 और 6x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x हो जाएगा -1 और यहाँ से 6x बराबर 1, x क्या होगा 1/6, तो बच्चों x का वैल्यू क्या निकला -1 और 1/6। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लोगों ने सीखा हाउ टू सॉल्व द सम ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, जब गौर कीजिएगा, ये भी आपका है सॉल्व। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, क्या करना है, ये सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ये कितना है टेन इनवर्स 1/2, ये प्लस का टर्म इधर ले आएगा तो माइनस कितना हो गया टेन इनवर्स 1/7, यहाँ कितना बचा बचो कॉट इनवर्स एक्स, लिख दिए कोई दिक्कत है ना, सिंपल है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, एक्स माइनस वाई क्या बोलना होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 + xy। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 + xy, फॉर्मूला तो याद है, बराबर कितना है कॉट इनवर्स एक्स है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 1/x, अंतर कोई अंतर नहीं, कॉट इनवर्स एक्स लिखें या टेन इनवर्स 1/x, बोथ आर सेम, यहाँ भी टेन वर्स यहाँ भी टेन वर्स, क्या वहाँ हट जाएगा, ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हो गया 2 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 14, 7 1 = 7, 2 1 = 2, और बाय में कितना है गौर कीजिए, यहाँ भी हो जाएगा 2 7 = 14, 14 को 1 से 14 1 1 = 1, ध्यान दीजिएगा टेन वर्स ये दोनों टेन वर्स हट चुका है, यहाँ खाली क्या बचा 1/x बचा, ये 14 14 भी क्या हुआ कट गया, 2 कितना बचा 7 - 2 5, और बाय कितना हो जाएगा गौर कीजिए 14 + 1 कितना हो गया 15 = 1/x, क्रॉस गुना कर दीजिए या काट दीजिए 5 1 = 5 5 3 = 15, तो कितना वक्त यहाँ हो गया 1/3 = 1/x, एक्स को 1 से x, 3 को 1 से 3, तो ये भी बच्चों सॉल्व हो गया, x निकल गया, समझ गए बच्चों। चलिए और सम देखते हैं, इसे उतार लीजिए बढ़िया से, पॉज करके उतार लीजिएगा, ये लेकिन हम मिटा दिए आप उतारे हैं।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन बच्चों, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स इक्वल टू, प्रूव करना है आपको टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, पढ़ पा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, एन एच एस ये प्रूव करना है, मतलब ये लाना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो लिख लेते हैं टेन इनवर्स कितना है एक्स प्लस ये कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स। प्रूव हमें टेन में करना है तो कॉट को चेंज कर लेंगे टेन में, अगर कॉट में प्रूव करना होता तो टेन को हम चेंज कर लेते कॉट में। ठीक है, इस नियम को याद रखिएगा, आपको बनाने में बहुत मदद मिलेगा। तो आपका हो गया ये टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स को हम चेंज कर देते हैं टेन इनवर्स वन बाय वन प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाय थीटा, इसको खाली उल्टा लिख देंगे, एंगल को उल्टा देंगे, टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट रहेगा तो टेन हो जाएगा। आप देखिए इसको एक्स मान लेते हैं, ऐसे y मानते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y हो गया, ये x हो गया, लव y हो गया, बटे 1 माइनस एक्स वाई, बस अब खेला आपके हाथ में है। जल्दी जल्दी इसे सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस 1 को x से गुना कितना हो गया, वन को एक्स से एक्स, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वन, और बाहर में जल्दी करना है लेकिन गलती नहीं करना है, बटे वन प्लस एक्स, और बाहर में फिर यहाँ बच्चों एक्स प्लस हो गया, अब एक्स प्लस वन को वन से, तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स को वन से एक्स हो गया, ये टर्म खत्म हो गया, यहाँ भी था वन प्लस एक्स, यहाँ भी था वन प्लस एक्स, दोनों कट गया। देखिए यहाँ पर ये माइनस एक्स है प्लस एक्स भी कट गया, क्या बचा बच्चों टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, सजा कर लिख देंगे इसको, पहले वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्स कट गया, खाली क्या बचा वन, तो वन लिख के कोई फायदा नहीं है, क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप मेरे सारे वीडियो को देखिए इनवर्स फंक्शन के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक से सॉल्व कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।